पूरे भारतवर्ष में ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और लॉकडाउन भी लागू है। मेरठ में क्या स्थिति है और किस तरीके से लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं, पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं मेरठ से हमारे सहयोगी सोनू। सोनू, मेरठ में ईद का त्यौहार कैसे मनाया जा रहा है? अनुप्रिया, मायूसी तो देखने को मिल रही है क्योंकि साल में पहला यह त्यौहार आता है और यह मुस्लिम समाज का पवित्र त्यौहार माना जाता है क्योंकि 30 रोजे रखने के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस त्यौहार को मायूसी में अपने घर में ही रहकर मना रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सोनू, मुस्लिम लोगों के त्यौहार के बीच में यह लॉकडाउन आ गया है, लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। अनुप्रिया, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के बीच में ये त्यौहार आया और मुस्लिम समाज के लोग इस त्यौहार को अपने घर में रहकर ही मना रहे हैं क्योंकि मेरठ जिला अधिकारी ने पहली आदेश जारी किए थे कि सोमवार और गुरुवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिसमें केवल दूध और डेयरियां ही खुल सकती हैं, बाकी सब पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों को घर से निकलने की अनुमति तक नहीं है, जिसके चलते मेरठ शाही ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा नहीं की गई। लोगों ने घर में ही नमाज अदा की है और अपने रिश्तेदारों को फोन के जरिए ईद की मुबारकबाद दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू हमसे बातचीत करने के लिए। मेरठ में सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस ईद के त्यौहार को घर पर रहकर बड़े उल्लास के साथ मनाया। द भारत टाइम्स के परिवार की ओर से आप सभी को ईद मुबारक हो।